न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यह कहावत इन दिनों पीतल नगरी पर सटीक बैठती दिखाई पड़ रही है, जहां नगर परिषद अधिकारियों की धींगा मस्ती के चलते लाखों रुपए खर्च करके शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से प्रमुख चौराहों पर लगाई गई रेड लाइटें धूल फांक रही हैं, जिसके चलते शहरवासी ही नहीं बल्कि शहर से होकर गुजरने वाले दोपहिया और चौपहिया वाहन चालकों को भी लगातार कोड रूपी यातायात जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। और नगर परिषद अधिकारी हैं कि उनकी कुंभकर्णी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सालों पहले चौराहों पर लगाई गई ये रेड लाइटें किस कदर सफेद हाथी बनी खड़ी हैं और ट्रैफिक जाम में फंसे लोग नप अधिकारियों को बुरी तरह कोस रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जनता की गाड़ी कमाई खर्च करके लगाई गई रेड लाइटें जब बंद ही रखनी थी तो इन्हें लगाया ही क्यों गया। यही वजह है कि रेड लाइटें बंद होने के कारण तेजी से विकसित हो रहे रेवाड़ी शहर की यातायात व्यवस्था को अकेले ट्रैफिक पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसे लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा इन लाइटों को चालू कराने के लिए नप अधिकारियों को चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नप अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग पा रही है। अब इसे लेकर नप अधिकारियों का बयान अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौसम की खराबी के कारण सोलर पैनल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं और यही वजह है कि टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। हालांकि इस बारे में उन्हें अभी जानकारी मिली है, फिर भी अगले दो तीन दिनों में इन लाइटों को चलवा दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिन ही न्यूज वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन बावजूद इसके नप अधिकारियों ने अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन को जनता की समस्याओं से कितना सरोकार रह गया है। अब देखना होगा कि नगर परिषद कब तक इन लाइटों को चालू करवा पाती है या फिर लोगों को इसी तरह जाम की समस्या से दो चार होना पड़ेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सर, इसका यही कहना है कि भाई जब अगर ट्रैफिक लाइट बंद ही रखनी थी तो बाद में लगाई थी, और जब लगाई तो उनको चलाया नहीं थी क्या? आज मैं पिछले दो साल से देख रहा हूँ लाइटें लगाई हुई है लेकिन वो चल नहीं रही है, इससे क्यों बाद में इससे अच्छा लगाते ही नहीं? इतना भारी जाम रहता है और रहता है, उसके अंदर जाम में फंसे रहते हैं लोग और ट्रैफिक लाइटों की वजह से कोई उसका बेनिफिट नहीं। बीच में दो दिन चलाई बंद कर दी, लोग फॉलोअप करना स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले उसने वापस बंद करके छोड़ दिया, ठंडे व्यस्त में पड़ा है मामला। प्रशासन से मेरी यही उम्मीद है कि लाइटों को जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए वापस और बाद में उसका रेगुलर फॉलोअप किया जाए ताकि जनता को थोड़ी जाम से जो असुविधा रहती है उसमें राहत मिले। कहना चाहूँगा, सरकार ने कुछ टाइम पहले लाखों रुपये खर्च करके रेड लाइटें लगवाई थी जिसमें सुचारू रूप से चल भी गई थी, जिसमें लोगों को फॉलो करनी स्टार्ट कर दी थी। कुछ टाइम तक उन्होंने अच्छा फॉलो किया, जाम से भी राहत मिली थी, लेकिन कुछ टाइम चार दिन चलने के बाद ये दोबारा बंद हो गई। पता नहीं कारण क्या बंद है, ना कोई वहाँ पे रेड लाइट दोबारा स्टार्ट हो पा रही है जिस कारण लगातार जाम लगने लग गया है। यहाँ पे कि हॉस्पिटलों की एम्बुलेंस जाने के लिए भी रास्ता नहीं मिल पाता, जिसमें लोगों को काफ़ी मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि ये लगाई क्यों और फिर लगाने के बाद भी बंद क्यों पड़ी रहती है? अब क्या मांग करेंगे? हम मांग चाहते हैं कि सरकार इनको दोबारा से चलवाए। एक्चुअल में हमारे कार्यकाल में भी लाइटें बंद थी, पैसे ले जाते थे, ये अपना लगवाई थी लाइटें हर एक चौक पर, हमने भी लगवाई थी उस टाइम लाइटें, पर तभी से इस पास हर एक पार्षद वाले को हमारी शिकायत रहती थी, कई लाइटें कभी फॉलो ही नहीं करती थी, रेड लाइट लगवा ली पर कभी चालू नहीं हुई। अब देखकर दोबारा अपना धार चुंगी चले जाओ, अपना इधर अपना अम्बेडकर चौक चले जाओ, हमेशा कभी लाइटें नहीं चसती कभी भी। पब्लिक ने फॉलो करना शुरू किया था, हर कोई चाहते जाम की समस्या हटे, पर धारा चुंगी और यहाँ तो इतना बुरा हाल रहता है, तीन तीन स्कूल पास है वहाँ पे, कोई भी रेड लाइट अभी तक काम नहीं कर, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी सरकार ने पैसा खर्च किया, नगर परिषद खर्च करते, सब खर्च करते हैं, पर जो ठेका लेता है उसने आज तक कभी नहीं आगे संभाला भी लाइट मेरी चस भी रही है कि नहीं चस रही, इसे अपने किसको शिकायत करें? पब्लिक परेशान है, शहर परेशान है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन लाइटें ठीक करवाए, जिन ठेकेदार टेंडर छोड़ देते हैं, कम से कम हर महीने में दो महीने चेक तो करना है ना, उसका भी चेक नहीं करते, वो तो एक बार होगा अपना चेक पास, उसके बाद अपना दो साल बाद तीन साल बाद साल में कभी होगा तब ठीक होगी वो लाइटें। सरकार ने पहले बहुत पैसा खर्च करके सब चौराहों पर रेड लाइट लगाई थी और वो कुछ दिन खराब होगी, सरकार ने दोबारा फिर इनको ठीक करवा के लगाया, लेकिन क्या है कि लाइटें बंद होती है तो जाम लगा रहता है और बड़े बूढ़े आदमी चलते हैं, उनको ये नहीं पता कि लाइट चल रही है नहीं, बंद पड़ी है, और पब्लिक को बड़ी परेशानी होती है। सरकार को चाहिए इन लाइटों को शुरू करवा कर और दोबारा से इनको व्यवस्था ठीक की जाए।
सबसे पहले देखे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके रेड लाइट सिग्नल वगैरह लगवाए थे, वो कुछ दिन चली उसके बाद वो बंद हो गई, बर्बाद हो गया सब कुछ। उसके बाद प्रशासन चैन क्लीन खोई हुई है, कुछ का काम नहीं कर रही, कुछ कदम नहीं उठा रही है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इनको दोबारा से ठीक करवाया जाए, इनको चालू किया जाए, और जो दिन भर में ट्रैफिक जाम लगता है, जो पीड़ित लोग हैं जिनको इमरजेंसी होती है, वो जाम में ना फंसे और जल्द से जल्द अपना काम पूरा कर सके ताकि किसी को दिक्कत ना आए किसी की। ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए रेड लाइट्स लगवाई गई थी जो कि आजकल बंद दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? वैसे टेक्निकल फॉल्ट इसमें हम एक दो दिन में इसका चेक करा लेंगे क्या टेक्निकल फॉल्ट है, बाकी मौसम की खराबी की वजह से सोलर पैनल की वजह से उनमें से चार्ज भी नहीं हो पा रही है टाइम से, तो हम इसको दो एक दिन में इसका शॉर्ट आउट करा देंगे। सर, दो महीने पहले जब आपने इसको मेंटेन करा के चालू करके दिया था, लोग फॉलो भी करने लगे थे, उसके बाद से लगातार बंद है? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम से लास्ट वीक से ही पता चली है कि ट्रैफिक लाइट बंद है, तो उसको हम शॉर्ट आउट दो या तीन दिन में शॉर्ट आउट करा देंगे और इसको सुचारू रूप से चला देंगे।